हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि आप जहां भी होंगे एकदम हैप्पी होंगे और एकदम हेल्दी होंगे। और आज का टॉपिक तो बहुत ही इंटेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पर मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे जिस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोज़ पर, मुझे लिटरली लगता है कि इट इज़ very good that I have started this channel and I am able to answer all your questions. बस एक छोटी सी request है इसी के साथ में कि आप मुझसे जितने चाहे questions पूछ सकते हैं। आप मुझे mails करते हैं और कई questions तो इतने specific होते हैं, I can't even tell you। लोग मुझे अपना salary package तक share करते हैं to know whether it is sufficient to stay in Bangkok with family. So I'm so thankful for that। और अगर इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो इटसेल्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली मी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बैंकॉक में रह रहे हैं और आई एम श्योर दैट हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे। और आपको आंसर देने के लिए सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो ट्रस्ट मी, जब ये कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वी विल फील बेटर एंड इट विल बी ईजियर फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। एंड दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड दिस चैनल। सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। ओके, सो एज यू कैन सी, मैं बहुत ही कंफर्टेबली पूल साइड में बैठी हूँ, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू टॉक अबाउट। यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत शांति है, आराम से हम बात कर सकते हैं। सो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के साथ में। सो थाईलैंड ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं अभी बॉर्डर्स पे, जो पहले क्वारंटीन रेस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। सो उसकी वजह से टूरिज़्म वापस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो जो थाईलैंड का मेजर जॉब मार्केट है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो पूरा वापस से रिवाइव हो रहा है। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब और इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू बैंकॉक इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट लुकिंग इन टू इट। सो येस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। और एक छोटी सी बैड न्यूज़ भी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ बैड न्यूज़, इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन कि थाईलैंड में एलियन एम्प्लॉयमेंट एक्ट एप्लीकेबल है। सो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जो एक्सपैट्स फॉरेनर्स नहीं कर सकते, दे आर रिजर्व फॉर थाई नेशनल्स ओनली। बट नथिंग टू वरी, बिकॉज ये कोई नया लॉ नहीं है, ये कोई अभी रिसेंटली अप्लाई नहीं हुआ है। इस लॉ के बावजूद भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं जो ऑलरेडी इंडियंस बैंकॉक में करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 लाख इंडियंस रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किस स्पेसिफिक डोमेन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स हैं, आज अपन डिटेल में उसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ब्रॉडली मैं थाईलैंड की जॉब्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स इन थाईलैंड एंड देन हम लोग बात करेंगे टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द नॉन टूरिज्म जॉब फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं नॉन टूरिज्म कैटेगरी की फर्स्ट जॉब, विच इज़ इंजीनियरिंग जॉब। सो ये बहुत ही एक बड़ा मैंने एक बहुत बड़ा स्कोप लिया है यहाँ पे। इसमें सब तरीके की जॉब्स आती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, हाइड्रो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सब तरीके की कैटेगरी के बारे में मैं एक साथ बात कर रही हूँ, बिकॉज इन जॉब्स को ढूंढना, इन जॉब्स का सैलरी ब्रैकेट और जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मोर ऑर लाइक सेम है। सो सिविल की और इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे ओपनिंग्स बहुत सारी मिलती हैं, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री है, तो बहुत तरीके के काम यहाँ पे इंजीनियरिंग के हैं। अगर हम स्पेसिफिकली आईटी की बात करें तो उसका स्कोप कंपैरेटिवली, अगर आप उसको यूएस, यूके, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो उतना नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आईटी कंपनीज हैं और उनमें बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपैट्स यहाँ पे इंडिया से आईटी कंपनीज में काम करने के लिए बैंकॉक में रहते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप इन आईटी एंड अदर इंजीनियरिंग जॉब्स ऑल्सो। सो अब बात करते हैं कि इस टाइप की जॉब्स कहाँ से ढूंढें। फर्स्ट थिंग इज़ लिंक्डइन, सेकेंड थिंग इज़ जॉब्स डीबी। इन दोनों वेबसाइट्स पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट करती हैं। और थर्ड थिंग इज़ इफ़ यू आर स्पेसिफिक, इफ़ यू नो विच कंपनी यू वॉन्ट टू वर्क इन, इफ़ यू नो कि आपका जो स्कोप है, आपका जो डोमेन है, वो बहुत लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पे कंपनीज़ भी बहुत कम होती हैं। डायरेक्टली आप उन कंपनीज़ के करियर ऑप्शंस में जाके देख सकते हैं और कंपनीज़ वहाँ से डायरेक्टली हायर भी करती हैं। सो नाउ लेट्स स्विच टू दी सैलरी ब्रैकेट। सो इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं उनका सैलरी ब्रैकेट बहुत वेरीड है। मैं यहाँ पे एवरेज बात करूँगी। सो अगर हम एवरेज देखें तो वो तकरीबन
तकरीबन 90,000 थाईबार्ड से लेके 1,00,000 थाईबार्ड तक का एवरेज है, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 to 30,000 टू 2,00,000. तो एक स्पेसिफिक अमाउंट देना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी यहाँ पे बात करी है, बहुत टाइप की इंजीनियरिंग की बात करी है और उसमें सारे लेवल्स की बात करी है. सो डेफिनेटली थोड़ा सा चैलेंज वहाँ पे है एग्जैक्ट अमाउंट देने में, बट एक मैं आपको रेंज बता रही हूँ, इट लाइज बिटवीन समवेयर 80,000-90,000 से लेके 100,000 तक का एवरेज है. इंजीनियरिंग जॉब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आता है कम एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी और चांसेस आपकी जॉब लगने की ज़्यादा है. ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं लेकिन चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है. लेकिन जो फ्रेशर लेवल की अगर आप बात करो तो वो यहाँ पे बहुत मेजर चैलेंज है. अगर आपका आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन नहीं है, कोई स्पेसिफिक नीच नहीं है, कोई अच्छा खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग टू फाइंड अ जॉब इन इंजीनियरिंग फील्ड इन बैंकॉक, इन थाईलैंड इन जनरल. मैंने सबसे पहले ये इंजीनियरिंग की कैटेगरी इसलिए उठाई बिकॉज हम लोग यहाँ पे इस इंजीनियरिंग कैटेगरी के थ्रू ही यहाँ पे आए हैं. अगर आपको जानना है कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे जॉब अप्लाई करी, कैसे सैलरी की बात करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी एक अलग ही कहानी है, उसके बारे में इस वीडियो में तो बात करना ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेम एक्सपीरियंस के दो बंदों की भी सैलरी वेरी करती है. उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में हम बात कर सकते हैं. सो अगर आपको जानना है कि हमारी स्टोरी क्या है और यहाँ पे इंजीनियरिंग की जॉब्स के लिए एंट्री कैसे मिलती है, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे. अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेरीज हैं तो आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन द इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स अगेन. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ टीचिंग. सो टीचिंग की जॉब, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स की जॉब की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है. यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड. अगर आप बैंकॉक आना चाहते हैं सो आप यहाँ पे एज अ इंग्लिश टीचर आ सकते हैं. सो उसकी जो जॉब्स होती हैं वो मिलती हैं ajarn.com के थ्रू, विच इज़ ajarn.com. As I said, for engineering you can go through LinkedIn and JobsDB, whereas for teaching you can look at ajarn.com. The only difference in these two is that school teachers ke liye it is preferable that you are already in Bangkok, kyunki online remotely us cheez ko bahut zyada yahan pe promote nahi kiya jata. आप इंजीनियरिंग जॉब्स को इंडिया बैठे भी ढूंढ सकते हो और जॉब लगने के बाद में आप यहाँ आ सकते हो, बट टीचिंग जॉब के लिए ये ऑप्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग है. इंडिया से जॉब लेके यहाँ आना इज़ लिटिल ट्रिकी. सो यू कैन ट्राई योर लक, बट यस, स्टैट्स ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है. ज़्यादा प्रेफरेंस उन लोगों को मिलती है जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं. ऑल्सो यहाँ पर एज अ टीचर पढ़ाने के लिए TEFL सर्टिफिकेशन, विच इज़ टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरन लैंग्वेज, का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो आप उसके बारे में भी पूरा पता कर लीजिए अगर आपको यहाँ पर एज अ टीचर जॉब ज्वाइन करनी है. तो एज अ टीचर यहाँ पर तकरीबन 30,000-40,000 थाईबाट पर मंथ आप ले सकते हैं यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें, और इंटरनेशनल स्कूल्स में तो डेफिनेटली रेट्स भी बहुत ज़्यादा होती है. डिपेंड्स कि इंटरनेशनल स्कूल कौन सा है, वहाँ पे भी अगर आप रेंज देखेंगे तो इट वेरीज फ्रॉम 40,000-45,000 to 100,000 थाईबाट. सो काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पर एज अ टीचर जॉब करने का. अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी में, नॉन टूरिज्म जॉब्स की थर्ड कैटेगरी, विच इज़ डिजिटल नोमैड्स. ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है बिकॉज ये इतनी फैंसी और फैसिनेटिंग मुझे लगती है. इसमें आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए अपनी जॉब पे अपने काम को करने के लिए, एंड योर वर्क इज़ रिमोट. यू वर्क फॉर एनी वन, नॉट नेसेसरली थाईलैंड. आप किसी भी और कंट्री के लिए, किसी भी और कंपनी के लिए काम कर सकते हैं थाईलैंड में रहते हुए. इसका बस एक चैलेंज है कि इसका जो वीज़ा होता है, इसके लिए जो वर्क परमिट चाहिए होता है, इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी एंड चैलेंजिंग. दैट इज़ अगेन अनदर स्टोरी. उसके बारे में इस वीडियो में कवर करना इज़ इम्पॉसिबल. बट येस, यहाँ पर डिजिटल नोमैड्स जॉब्स का ऑप्शन बहुत ही अच्छा और फैंसी है. और इसमें मैं आपको सैलरी रेंज नहीं बता सकती बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप काम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो कंपनी आपको कितना पे कर रही है. तो उसका कोई एज सच थाईलैंड से लेना देना नहीं है आपकी सैलरी का. तो आई कैन नॉट कोट एनी फिगर्स, एनी एवरेज फिगर फॉर दैट. इसके अलावा और भी बहुत सारी तरीके की जॉब होंगी, बट दिस इज़ द मेजर मेजर कैटेगरीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. अब चलते हैं टूरिज्म रिलेटेड जॉब में, बिकॉज
वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स में जो मेरी पहली कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कैटेगरी में आती है, वो है रियल एस्टेट एजेंट्स और मार्केटिंग और सेल्स। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई दिस इज़ टूरिज्म रिलेटेड। सो इट इज़ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स, अमेरिकन, यूरोपियंस, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट में। उन रियल एस्टेट को हैंडल करने के लिए उनको एक्सपैट्स चाहिए, फॉरेनर्स चाहिए। सो इसीलिए जो बड़ी कंपनीज हैं लाइक अगोडा, एयरबीएनबी, ये लोग बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट की डिमांड रखते हैं और उसमें दे प्रिफर टू हैव एक्सपैट्स। दे हैव अ रिजर्व कैटेगरी फॉर एक्सपैट्स ओनली एंड दे पे ह्यूज मनी टू रियल एस्टेट एजेंट्स ऑल्सो, बिकॉज उन प्रॉपर्टीज़ को जो फॉरेन नेशनल्स की है उनको हैंडल करने के लिए दे नीड फॉरेनर, दे नीड एक्सपैट्स फॉर दैट। सो इट इज़ वेरी 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 लुक्रिएटिव जॉब इन थाईलैंड। और इस टाइप की जो जॉब होती है उसमें तकरीबन अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 50,000 से लेके 120,000 थाई बाट तक का रेंज है। सो इट इज़ लाइक वेरी ह्यूज मनी। द ओनली चैलेंज विद दिस जॉब इज़ दैट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड, बिकॉज मोस्टली ऐसी जो जॉब्स होती हैं वो आपको नेटवर्क के थ्रू मिलती है। आपका PR कैसा है यहाँ पर, आपकी कम्युनिटी कैसी है, जो लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। बट यस, जो बड़ी कंपनीज हैं एज आई सेड booking.com या अगोडा या Airbnb, ये लोग अपनी जो ओपनिंग्स हैं वो LinkedIn पे और JobsDB में डालते हैं। रादर इनके करियर ऑप्शंस में भी आपको ये ओपनिंग्स मिल सकती हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। जो मेरी सेकेंड कैटेगरी है वो अगेन बहुत ब्रॉड मैंने रखी है, बिकॉज उसमें आता है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस। बिकॉज ये जो चार कैटेगरी है, यहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ इन चार कैटेगरीज में अपना बिजनेस करती हैं। सो इनमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं, बहुत ओपनिंग्स आती हैं। अगेन द सेम चैलेंज कि मोस्टली इस कैटेगरी में जॉब आपको नेटवर्क के थ्रू, PR के थ्रू मिलती है, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोई पोर्टल नहीं है उस चीज़ के लिए। यहाँ पे आपको ऐसा जॉब ओपनिंग नहीं मिलेगी कि आप वहाँ से अप्लाई करो। एंड नेक्स्ट चैलेंज इज़ वर्क परमिट, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आपको कोई, इंडिया में आप हैं और यहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ से बुला रहा है। इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ गुड नेटवर्क और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी को अपने बिजनेस में है, देन दे विल डेफिनेटली स्पॉन्सर योर एंटायर रिलोकेशन। बट ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत लोग काम करते हैं बट वो अपने नेटवर्क और PRs के थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। सो यस, इट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। अब मैं लाइक लास्ट ऑप्शन की बात और करती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इन डिमांड इन थाईलैंड, इज़ डाइव इंस्ट्रक्टर। सो समहाउ मेरे को ना पहले ही इसको लिस्ट में लाने का ही मन नहीं था, बिकॉज व्हेन आई सी इंडियन जॉब मार्केट और इंडियंस जॉब पर्सपेक्टिव, आई डोंट सी दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोफाइल में अपनी जॉब ढूंढते हैं, बट उसमें यहाँ पे बहुत पैसा है। यहाँ पे तकरीबन 35-40,000 थाई बाट तो आराम से लोग उससे इनिशियल लेवल पे ही उनको मिल जाता है। सो इट इज़ वेरी 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 इन डिमांड और अच्छा खासा पैसा मिलता है। एज अ पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं अगर शौक है। उसके लिए आपको पैडी सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, बट इट इज़ वेरी गुड। सो यार, मैंने ब्रॉडली दोनों कैटेगरीज, टूरिज्म नॉन टूरिज्म, को तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लब कर दी है, बिकॉज वो बहुत रिपीटेटिव होता है अदरवाइज। उनमें सब में सैलरी स्लैब्स और जॉब ढूंढने का तरीका, चैलेंजेस आर मोर लाइक सेम, इसलिए मैंने उनको क्लब कर दिया है। मैं आपको एक ब्रॉड लेवल पे चैलेंजेस भी बताती हूँ कि यहाँ पे किस टाइप के चैलेंजेस नॉर्मली आते हैं जॉब्स रिलेटेड। सो सबसे पहला तो एज आई ऑलरेडी सेड इज़ एलियन एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस तो हम कर ही नहीं सकते एज अ फॉरेनर, एज एन एक्सपैट। तो वो आप एलियन एम्प्लॉयमेंट एक्ट को एक बार ज़रूर देखें। अगर आप यहाँ पे कुछ उस कैटेगरी में जॉब्स ढूंढना चाहते हैं तो आप उसको ऑलरेडी देख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ लैंग्वेज। सो इट इज़ वेरी सिंपल, अगर आप किसी MNC में काम कर रहे हैं, IT कंपनी में काम कर रहे हैं, सो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। बट येस, अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करना है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो थाई, बट अदरवाइज इंग्लिश इज़ सफिशियंट। उससे यहाँ पे आपका MNCs में और बड़ी कंपनीज में काम आराम से हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। द थर्ड चैलेंज इज़ लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पे जॉब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा ईजी है। स्कोप मतलब ऑप्शंस कम हो जाते हैं बट आपका स्कोप बढ़ जाता है जॉब्स मिलने का यहाँ पे। सो एक्सपीरियंस इज़ अ चैलेंज, तो बस इससे ज़्यादा कुछ और दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे, इट इज़ अदरवाइज ईजी। बस ये थी मेरी समरी आज के वीडियो की। अगर आपको फिर भी जॉब रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो एज आई सेड आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द
दिस वीडियो इटसेल्फ प्लीज़। थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछिए, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, वी विल सी, बट आई एम श्योर अच्छा ही आएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। टिल देन डू वॉच ऑल द अदर वीडियोज। एज आई ऑलवेज से, आई हैव लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट्स, गो एंड बिंज वॉच एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय। Thank you.